नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात करेंगे मोदी सरकार की कश्मीर नीति की। कश्मीर में आतंकवाद की समस्या पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हालात सुधरने की जगह और बिगड़े हैं। पुलवामा के भयानक आतंकी हमले के बाद देश में न सिर्फ दुख और गुस्से का माहौल है, बल्कि सरकार की कश्मीर नीति पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार के फैसलों से कश्मीर के हालात और बिगड़े हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार कश्मीर नीति के मामले में उलझन की शिकार रही है। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे पूर्व राजनयिक विवेक काटजू। हमारे साथ स्टूडियो में हैं जम्मू कश्मीर पर वार्ताकार रहे पूर्व CIC MM अंसारी। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अशोक भान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिकार गिलानी। और हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुशोभा बर्वे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी। प्रधानमंत्री मोदी भले ही कहें कि पुलवामा के आतंकी हमले से वो बेहद आहत हैं, लेकिन सवाल प्रधानमंत्री के सीने में धधकती आग का नहीं, बल्कि हिंसा और आतंकवाद की आग में झुलसते कश्मीर का है। पिछले 4 दिनों के दौरान कश्मीर में 45 जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कश्मीर के हालात लगातार बदतर हुए हैं। साल 2014 में 222 आतंकी हमले हुए थे, जबकि 2015 में 208, 2016 में 322, साल 2017 में 344 और 2018 में 614 आतंकी हमले हुए। इस बिगड़ते हालात के लिए विपक्ष मोदी सरकार की उलझी हुई कश्मीर नीति को जिम्मेदार मानता है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सेंटर में, कश्मीर की जनता के साथ बातचीत न करके, पॉलिटिकल डायलॉग न करके जिस रूप में उन्होंने काम किया, वो अमित शाह के भाषण में बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान की धारा 370 को हटाना बीजेपी का पुराना मुद्दा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने उस PDP से हाथ मिलाने में गुरेज नहीं की, जो राज्य के दूसरे दलों की तरह धारा 370 से किसी भी तरह छेड़छाड़ की सख्ती के खिलाफ है। मोदी सरकार ने कश्मीर पर जो कदम उठाए, उनके नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। जुलाई 2016 में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जब कश्मीर में हालात तेजी से बिगड़े, तो सरकार ने सख्ती का रास्ता चुना। इस नीति के तहत 2016-17 में पत्थरबाजी के आरोप में 11,290 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पत्थरबाजी की घटनाएं बंद तो नहीं हुई, लेकिन पैलेट गन से बच्चों के घायल होने और आंखों की रोशनी चले जाने की खबरों पर विवाद जरूर हुआ। हालात इतने बिगड़े कि घाटी में पहली बार लड़कियां भी पत्थरबाजी करती नजर आईं। सितंबर 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ, तो जवाब में सेना ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी सरकार ने इस पर अपनी पीठ ठोकते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी लागू की, तो दावा किया गया कि इससे आतंकियों की कमर टूट जाएगी, लेकिन हुआ क्या, ये सबके सामने है। यही वजह है कि कश्मीर में हालात बिगड़ने पर मोदी सरकार की कश्मीर नीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बातचीत की जगह सख्ती से काम लेने की नीति से कश्मीर के हालात और खराब हुए हैं। सवाल ये भी कि पहले बीजेपी और PDP के साथ मिलकर सरकार बनाने और फिर उस सरकार को गिराए जाने का कश्मीर के हालात पर क्या असर पड़ा है। और बड़ा सवाल ये कि पुलवामा के आतंकी हमले के बाद देश के कई हिस्सों में कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाए जाने का वहां के हालात पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सुशोभा जी, आपसे शुरू करते हैं। कश्मीर नीति का एक हिस्सा अभी ये भी है कि सरकार ने हुर्रियत के 4 नेताओं से सिक्योरिटी वापस ले ली है। क्या ऐसा करके उन्होंने इन हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान की दया पर, पाकिस्तान की कृपा पर छोड़ दिया है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले पाकिस्तान समर्थित तत्वों ने हुर्रियत के नेताओं की हत्याएं नहीं की हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक ये डिसीजन गवर्नमेंट इस पे टिकी रहेगी, क्योंकि जो मिरवाइज साहब ने जो अपने बयान में कहा है कल कि सिक्योरिटी उन्होंने मांगी नहीं थी, गवर्नमेंट ने
सिक्योरिटी रिस्क को सोच के उनको सिक्योरिटी दी थी, तो देखते हैं, यही मुझे कहना है जी। अंसारी साहब, लेकिन आज आज दोपहर में ये भी न्यूज़ आई है कि 200 नौजवानों ने कहा है कि वो खुद उनकी सिक्योरिटी बने रखेंगे। ठीक है अंसारी साहब, आप कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यदि इनमें से किसी एक भी हुर्रियत नेता को कुछ हो गया तो कौन रोक सकता है पाकिस्तान या कश्मीरी को ये कहने से कि ये भारत सरकार की एजेंसीज ने करवाया है? बिल्कुल, इस तरह की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल बनती है कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो ये होगा कि हमारी अपनी इंटरनल यहाँ की एजेंसीज ने इस तरह का कोई हादसा किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बात पे पहले भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट जिनसे इनकी कोई तालमेल नहीं होती उनको ये सपोर्ट क्यों देती है, और फिर इसके साथ साथ आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे एक सद्भावना प्रोग्राम चलाती हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं। इन दोनों के सवाल में जो मुझे जवाब मिला था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये कि सद्भावना के ज़रिए वो वहाँ के आम लोगों में एक घुसपैठ और एक अपनी आउटरीच और एक्सेस रखना चाहते थे ताकि उनकी गतिविधियों पे उनकी नज़र रहे, और इसी तरह से जो हुर्रियत को सपोर्ट का जो सिलसिला था वो इसीलिए है कि ताकि हमारी एजेंसीज़ को उनसे बातचीत का मौका मिले और उनसे वो बातचीत करते रहें और वहाँ की तरफ से जो कोई डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी पूरी जानकारी रखें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सद्भावना प्रोग्राम है या हुर्रियत के लीडर्स को ये सपोर्ट देने की बात थी, ये एक पर्पसफुली ये किया जा रहा था, और अब जो ये विड्रॉ किया है मैं नहीं समझता कि इसका कोई बहुत बड़ा असर होगा, इसलिए कि हुर्रियत की लीडरशिप ने पहले से कहा है कि उन्होंने कभी ये चीज़ मांगी नहीं थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हुर्रियत लीडरशिप के खिलाफ पहले भी काम हुआ है कि वो हवाला के ज़रिए उनके पास काफ़ी पैसे आते रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरीज हुई, कुछ लोग जेल में भी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके ऊपर क्या नतीजा निकल पाया है। तो हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो करती जा रही है, पहले तो हुर्रियत लीडरशिप से बात होती थी पिछली NDA सरकार ने, अब इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उनके हवाला ट्रांजेक्शन को रोकने की कोशिश की, उसकी जानकारी उसपे और बात करेंगे हम। हवाला पे आएंगे थोड़ी देर में, हवाला पे भी आएंगे। मैं इफ्तिकार से पूछना चाहता हूँ, इफ्तिकार क्या आपको लगता है कि भले ही ये सिंबॉलिक हो, इससे भारत सरकार जो गवर्नर के थ्रू ऑपरेट कर रही है इस समय, वो हुर्रियत के नेताओं को चरमपंथ की ओर धकेल रही है, ये दिखाना चाह रही है कि इनमें और जो टेररिस्ट हैं या जो टेररिज्म करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इनको सजा देना टेररिज्म को और टेररिस्ट को सजा देने के बराबर है? भारत, ये जो हुर्रियत लीडरों को सिक्योरिटी वापस दी ले ली गई है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हुर्रियत लीडर ने कभी सिक्योरिटी की मांग की थी। इसकी एक वजह थी, मीरवाइज़ उमर फारूक के फादर की डेथ हो गई थी, उसको मार दिया गया था, और वो भी जब मार दिया गया था तो जाहिर सी बात है तो उनकी फैमिली को सिक्योरिटी दी गई थी। दूसरे लीडरों के ऊपर भी अटैक्स हुए थे तो इसलिए उनको सिक्योरिटी दी गई थी, ये ऐसी नहीं थी कि उनको किसी सिक्योरिटी जो बिल्कुल भी बिलावजह कोई सिक्योरिटी दी गई थी उनको। अगर हम यहाँ की नज़र से भी देखें, इंडियन गवर्नमेंट की नज़र से, इंडियन शहरी की नज़र से भी देखें, तो एक तरह से जो है एक तरह से मतलब यहाँ पर आइन के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन शहरी ही हैं, तो अगर उनको खतरा है किसी से तो आपको एक सिक्योरिटी असेसमेंट के हवाले से आपका फ़र्ज़ बनता है उनकी हिफाजत करना। लेकिन भारत में एक बहुत ही एक अहम इशू की तरफ यहाँ पर एक हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जब दिल्ली में आया था रिपोर्टिंग करने के लिए, मुझे याद है उस वक्त राम मंदिर मूवमेंट शुरू हो रही थी, और राम मंदिर मूवमेंट की ही रिपोर्टिंग से मैंने अपनी कैरियर का आगाज शुरू किया था मैंने दिल्ली में। उसके बाद मैं करगिल जंग भी हमने कवर की है, ऑपरेशन पराक्रम भी कवर किया है, मैं खुद जेल में रहा था, और मुझे याद है कि इंडियन मीडिया ने कितना मुझे सपोर्ट किया था आप जैसे लोगों ने, और उनकी वजह से मैं बाहर आ गया था। और लेकिन जो इस वक्त जो सिचुएशन यहाँ पर है दिल्ली में, या जो कुछ ऑल ओवर कंट्री जो कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ, कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है काफ़ी जगहों पर, जो डिस्ट्रेस मैसेजेस आ रही हैं, मैं खुद पिछले 2 दिनों से घर से बाहर हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाहर भी एक क्राउड जमा हो गया था, हमारे खिलाफ नारे लगाए गए, हमें घर से बाहर निकले कहा गया, हमें बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकलकर पिछले 2 दिनों से जो है किसी दोस्त किसी के यहाँ रात गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। जो हैट्रेड यहाँ पर पिछले 5 सालों में हो गई
एक्चुअली जो एक कायम कई की गई है ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसके रिपरकशंस हैं कश्मीर में, इसको किसी तरह से जो है एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। अशोक भांजी, मेरी बात को शायद हमारे मेहमान समझ नहीं पा रहे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिम्बॉलिक भले ही हो ये सिक्योरिटी को विड्रॉ करना, लेकिन क्या ये एक बदले की भावना से किया जा रहा है ताकि बाकी भारत में एक विशेष पार्टी को चुनाव में फ़ायदा हो और ये लगे उनके सपोर्टर्स को कि देखिए ये एक्शन लिया जा रहा है कश्मीर में? देखिए, ये तो एक नी जर्क रिएक्शन है और ये सेंटिमेंटल डिसीशन है जी। बेसिकली अगर इन्होंने थ्रेट परसेप्शन देखना था सब लोगों का जी, और जो ये वक्त वक्त पे देखते आए हैं जी, उसमें अगर मॉडरेट एलिमेंट जो है कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडरशिप का जी, और मेन स्ट्रीम पार्टीज का जी, अगर इन लोगों को भी दिल्ली साथ नहीं चला सकती है जी, तो वहाँ जो ये हो रहा है रेडिकलाइजेशन, तो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट नौजवानों को कौन दे सकता है? एक मॉडरेटिंग वॉइस, एक मॉडरेटिंग सलाह कौन दे सकता है? मुझे तो अचंभा लगा कि ये होम मिनिस्ट्री का डिसीशन जो है, मुझे ये वूली सा लगा, ये मुझे वुडन हेडेड लगा, ए पॉलिटिकल लगा, क्योंकि कश्मीर एक पॉलिटिकल समस्या है अल्टीमेटली, बजाय ये कि एलिफेंट जो पाकिस्तान है इन द रूम उसको ये टैकल करें। ठीक है, ये थोड़ा नी जर्क रिएक्शन करके हुर्रियत को निहत्ते लोगों को तंग करने की कोशिश है, उससे क्या फायदा होगा? ठीक है, मेन जो कोर इशू है उस पर आप आइए, मेन कोर जो एलिफेंट है उसको डील करिए। कैसे डील करेंगे वो सब ने आज हिंदुस्तान भर के लोगों ने, अपोजिशन ने, सब ने प्रधानमंत्री को एक मैंडेट दिया है, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर इट। ठीक है, सब लोग वेट कर रहे हैं। सवाल मैं ले जाना चाहता हूँ विवेक काटजू साहब के पास। विवेक, प्राइम मिनिस्टर के पीछे पूरा देश खड़ा है कि आपको जो करना है आप करिए पाकिस्तान के खिलाफ, अब क्या करते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन मुझे बताइए कि साथ साथ जो पूरे देश भर में कश्मीरियों और विशेषकर कश्मीरी विद्यार्थियों के खिलाफ दुर्भावना पैदा की जा रही है, ये कौन कर रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे किसको फायदा हो रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीरी जो लोग, कश्मीरी लोग हैं वो भारतीय हैं, तो किसी भी भारतीय के खिलाफ भारत के किसी भी भाग में अब किसी तरह का आक्रोश करना या किसी हिंसा अपनाना ये गलत है। ये तो स्वाभाविक है कि ये गलत है। अब आप पूछ रहे हैं कि ये कौन कर रहा है, मैं राजनीति से दूर हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आज खुद देख रहा हूँ कि देश में एक बहुत गुस्सा है, क्रोध है कि ये जो कश्मीर में हिंसा हो रही है, पाकिस्तान से हिंसा आ रही है, वो अब 3 दशक होने को आए, लोग मर रहे हैं, हमारे सैनिक जा रहे हैं, और एक गुस्सा जब उभरता है तो गुस्सा अब एक मैं समझता हूँ गुड सेंस पे हावी होता है। अब इस वक्त जितना हमारा राजनीतिक वर्ग है, हमारे सामाजिक नेता हैं, उनको अपील करनी चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूं जी, कश्मीर के जो नेता हैं वो जो उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं, क्या वो भी सद्भावना की तरफ हैं? क्या वो सद्भावना को प्रोत्साहित करती हैं? ये भी सोचने की बात है। ठीक है, ठीक है। कश्मीरी नेताओं को भी इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साइड्स को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत। बिल्कुल, दोनों साइड, दोनों तरफ को आप और हम जैसे लोगों को उपदेश देना चाहिए। हो सकता है हमारी बात सुने, हो सकता है ना सुने, लेकिन सुशोभा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार ने स्कीम्स निकाली कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, उड़ान योजना, कि कश्मीर के जो विद्यार्थी हैं वो भारत में अन्य राज्यों में जाएं, उनका भारत से पढ़ाई लिखाई करें, माहौल अच्छा है, उनमें सद्भावना बने भारत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सब घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, जब से पुलवामा हुआ है, तो इससे कश्मीरी जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाकी हिंदुस्तान में, उनका भारत के प्रति लगाव बढ़ेगा या घटेगा? उन्हें क्या लग रहा होगा, क्या उन पर गुजर रही होगी इस समय? जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हमने देखा था
1984 में क्या हो गया, हमने ये भी देखा बॉम्बे रायट्स के समय क्या हो गया, उसके बाद भी हमने देखा क्या हुआ। तो जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये फर्ज बनता है हर एक नागरिक का, नेताओं का, कि गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन वो गुस्से को किस तरह से दूसरे चैनल में ले जाना ये सिर्फ नेता ही कर सकते हैं। अगर अगर देश का प्रधानमंत्री कहे कि आपके सीने में जो आग है मेरे सीने में भी वही आग है, तो इससे आम जनता क्या समझती है? एक तो मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ आग है, लेकिन उसको क्वालिफाई नहीं करना और साथ में ये नहीं कहना कि कश्मीरी बच्चों की सुरक्षा बनाए रखिए, उनको अपने बच्चों की तरह रखिए, ये तो मुझे कोई नेता करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि मैं इससे बहुत ही डिस्टर्ब हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं कि हम बदला लेंगे। भाई ये नहीं कह रहे हैं कि बदला किससे लेंगे जी। अगर आप ये नहीं कहोगे तो आम जनता जैसे 1984 में हुआ और दूसरे रायट्स के समय हुआ तो वो तो वही करेगी जो अभी हम देख रहे हैं, एंड इससे बहुत ही बुरा असर हो रहा है नौजवानों पर। ठीक है सुशोभा जी, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। स्वराज एक्सप्रेस एयरटेल पर भी उपलब्ध, चैनल नंबर 365। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है, किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत, खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गांव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। अंसारी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश में जो ये दुर्भावना फैल रही है या फैलाई जा रही है, ये गुस्से का जो इजहार हो रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, इसके लिए भारत सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कश्मीर में जो इनकी पॉलिसी है, वो किस हद तक जिम्मेवार है? क्योंकि हर एक चीज़ में हर एक कश्मीरी को तो हमने पाकिस्तानी बना दिया है, पाकिस्तानी एजेंट बना दिया है, जो भी चीज़ होती है हम कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये कहाँ तक सही है और ये सिक्योरिटी पॉलिसी कितनी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? देखिए, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तमाम हमने कश्मीरियों को जो पूरे भारत में, हिंदुस्तान में, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों या वो अपनी एजुकेशन के लिए आए हों, और उनको हमने सबको एक पाकिस्तानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत गलत है। उसके लिए होना यही चाहिए था कि जिस तरह से तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आ करके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने अथराइज़ किया कि वो एक मुनासिब कदम उठाएं, उसी तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये एक सुझाव देनी चाहिए कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरह की एडवाइजरी हों और जहाँ कहीं इस तरह के वाकयात हालात हो रहे हों वो रोके जाएं। और मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान या कश्मीर के हवाले से तो ये सब तमाम चीज़ें उठ खड़ी होती हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि जो एलिगेशन जो कम होना चाहिए वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लोगों का पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर से वो एतबार जो है वो बहुत ख़त्म हो जाता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अक्सर
अक्सर हम लोग पूछते हैं कि आखिर कश्मीर की पीस के लिए रास्ता क्या है, क्या यानी कौन सा रास्ता अख्तियार करें। तो मैं समझता हूं कि जो शिमला एग्रीमेंट में बात हुई कि कश्मीर के मामले में इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत के ज़रिए ये रास्ते को हल निकालेंगे और इससे हमें कश्मीरियों तक, कश्मीरी आवाम तक पहुँचने की मदद मिलेगी और हम कश्मीरियों का कश्मीर समस्या का हल तो हम आज यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे अंसारी साहब, बट ठीक कह रहे हैं आप, बातचीत से ही हल होगा। मैं इफ्तिकार के पास जाना चाहता हूँ। इफ्तिकार, पहले भी बात हुई कि भारत सरकार का कहना है कि हुर्रियत के नेता जो हैं पाकिस्तान से पैसा लेके अपनी राजनीति करते हैं, मान लिया वो सरकार कह रही है तो सही होगा। एनआईए ने इतने रेड कर लिए, इतने लोगों को क्वेश्चन कर लिया, तो क्या कारण है कि किसी भी बड़े हुर्रियत के नेता को आप पकड़ नहीं पाए, किसी के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से जो है हमने देखा है कि पिछले कई सालों से जो है तकरीबन लास्ट टाइम जो इस तरह का एक केस हुआ था, मुझे याद है 1995 में फर्स्ट टाइम, ये 94 में सीबीआई ने फर्स्ट टाइम जो है एक केस रजिस्टर कर दिया था हवाला के लिए, और उसमें जो है वो ट्रेस करते हुए जब वहाँ पर श्रीनगर से सोपोर, सोपोर से फिर एक पलहालन जब पहुँचे थे तो वहाँ मालूम हो गया था कि वो पैसे जो है किसी आर्मी के दो अफसरों के अकाउंट्स में मिले थे। उसके बाद वो केस ही बंद कर दिया गया था, और उसके बाद इस तरह के कई केसेस जो है 2002 में एक और केस रजिस्टर कर दिया गया था इसी तरह का केस। ये केस फिर आखिर कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, और न उन केसेस का कहीं अता पता रहता है, कहीं ना किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल होती है, ना किसी के खिलाफ कोई फाइल हो जाता है। ये इनका सिर्फ एक प्रोपेगेंडा पर्पस होता है, वक्ती तौर पर शॉर्टलीवुड वो यूज होता है। पैसे ले रहे होंगे, दुलत साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारी एजेंसीज भी उनको पैसा देती हैं, हो सकता है दोनों तरफ से ले रहे हो, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है तो इनको पकड़िए, और पकड़ के उनको मनी लॉन्ड्रिंग में या हवाला का जो भी केस बनता है उसको दर्ज करिए, जेल में डालिए। पर खैर उस बात को छोड़ते हैं। अशोक भान साहब, आपको क्या लगता है कि पिछले 4 साल 9 महीने में जो मोदी सरकार की कश्मीर पॉलिसी रही है उसमें विरोधाभास काफ़ी रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत रहा है? पहले बीजेपी जैसी पार्टी पीडीपी से हाथ मिला के सरकार बनाती है, फिर पीडीपी की सरकार गिराती है और पीडीपी के मुंह पे कालिख पोतने की कोशिश करती है। पहले कहती है किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, फिर एक इंटरलोक्यूटर, एक वार्ताकार लगाती है, उसके 2-3 घंटे में ही एक कश्मीर से जम्मू के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि सबसे बात होगी लेकिन हुर्रियत से बात नहीं होगी। तो भाई, अगर आपने खाली सेब उगाने वालों से, अखरोट उगाने वालों से ही बात करनी थी तो इतना बड़ा इंटरलोक्यूटर लाने की क्या आवश्यकता थी? तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज जो हैं इसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि कश्मीर जहाँ पे था वहाँ पे भी नहीं रहा, बल्कि उसकी हालत और बद से बदतर हो गई। ऐसा है कि प्रयास तो काफ़ी देर से चल रहा है, बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल निकले, और उस प्रयास में UPA 1 UPA 2 मोदी सरकार ने भी कोशिश की है। ये ठीक है कि मोदी सरकार का परसेप्शन थोड़ा सा फ्लॉड था, ठीक नहीं था, मगर प्रयास तो जारी था। प्रयास कल रात तक भी, परसों रात तक भी, इस आतंकवाद के हमले से पहले भी था। मगर एक चीज़ है कि अगर आतंकवाद ऑटोनॉमस करेक्टर हासिल करता है, इंडिजिनियस करेक्टर, तो ये एक दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। और जो फ्यूनरल्स मिलिटेंट्स के, उसमें 10-10 हज़ार लोग आते हैं, हमने काफ़ी लिखा भी, हमने काफ़ी समझाया इस गवर्नमेंट को कि इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। आतंकवाद को अगर आप हॉट परस्यूट से फाइट करते हैं, किसी का कोई उसमें एतराज़ नहीं है, मगर साइमल्टेनियसली अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं विद डायलॉग प्रोसेस, इनवर्डली विद द कश्मीरीज, वो एक हवा नवा बन जाती, और आज ये स्थिति नहीं आती कि आपको एकदम से नी जर्क रिएक्शन करके हुर्रियत से विड्रॉ करना पड़ता। अगर आपके पास बफर पड़ा है, पॉलिटिकल बफर, आपने नी जर्क रिएक्शन में महबूबा मुफ्ती को भी डंप किया, आप फारूक अब्दुल्ला को भी, एंटी नेशनल जो यहाँ बोलता रहता है, वाजपेयी जी के उस कंडोलेंस मीटिंग में कहा भारत माता की जय, उसको भी सस्पेक्ट किया जाता है कि ये एंटी नेशनल है। अगर आप अपने बफर्स को, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और सेपरेटिस्ट के मॉडरेट ग्रुप एज बफर नहीं यूज़ कर पाते हैं, तब तो ये आपकी राजनीति में फेलियर है। बाकी हॉट परस्यूट जो है वो तो एक अलग मुद्दा है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए और कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं विवेक से पूछना चाहता हूँ। विवेक, भारत सरकार ने कहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है, खुली छूट दे दी,
इस खुली छूट का अर्थ क्या है? फ्री हैंड का मतलब क्या है कि क्या आप कानून के दायरे से बाहर जाके काम कर सकते हैं? वहाँ पे हमने देखा कि जब फ्री हैंड का एक मतलब वो एक आर्मी के मेजर लिटिल गोगोई ने भी फ्री हैंड ही समझा था जब उन्होंने कश्मीरी को बोनेट पे बांध के कहा कि अब मार के देखो पत्थर। तो मैं कह रहा हूँ ये फ्री हैंड का अर्थ है क्या और कब फ्री हैंड नहीं था आर्मी के पास, कब से मिला है और क्या इसका अर्थ होगा? भारत जी क्या हम नॉर्मल इंटरप्रिटेशन करें जो प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जी, या भारत सरकार शब्द इस्तेमाल कर रही है या पर्वर्स इंटरप्रिटेशन करें, उसको आप तय कर लें। अगर भारत प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे दिल में आक्रोश है जी, तो वो आक्रोश स्वाभाविक है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसके खिलाफ जी। अगर ये कहा प्रधानमंत्री कहते हैं या भारत सरकार कहती है कि आर्मी हैज बीन गिवन अ फ्री हैंड, इसके मतलब ये नहीं है कि आप लॉलेस हो। इसके ये कोई सरकार नहीं कह सकती कि आप लॉलेस हो। बिल्कुल, उसका नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है कि आप मिलिट्री मींस अपनाए। मुझे ये नहीं समझ आ नहीं भारत एक एक प्रश्न है मेरे मन में, वो प्रश्न ये है कि आज के दिन आप पर्वर्स इंटरप्रिटेशन क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये भी कहना चाहिए कि कश्मीरी हमारे नागरिक हैं, जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है उसको क्यों नहीं देख रहे? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं विवेक, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आप ये क्यों नहीं कहते कश्मीरी बच्चे हमारी बच्चे? क्या ये कहना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि कश्मीरियों को भाग के आना पड़ रहा है देहरादून से, राजस्थान से, इसलिए कहना जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहे होते और वहीं पे मामला सुलझ जाता तब कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं कह रहे हैं इसलिए कहना पड़ रहा है कश्मीरी हमारे हैं, और अगर हमारे हैं हमारे संविधान के अंदर आते हैं तो उनकी रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। ये इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए और इससे आप मुझे मालूम है सहमत हैं। भारत एक शब्द जी, एक शब्द बोलिए, एक शब्द बोलिए। मैंने लिखा है एक आर्टिकल में लिखा है जी कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ द इंडियन होल एंड द कश्मीरीज आर आर पीपल। ठीक है, ये मैं मानता हूं। अगर अगर कहीं भी कश्मीरी लड़के के खिलाफ या लड़की के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है वो गलत है, लेकिन मुझे जो बुरा लग रहा है वो ये कि आप एक पर्वर्स इंटरप्रिटेशन देने की यहां पे चेष्टा हो रही है, क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आप बिना बात गुस्सा कर रहे, खैर करते रहिए गुस्सा। मैं अंसारी साहब से पूछता हूँ कि अंसारी साहब ये बताइए कि भारत सरकार की जो कठोर और मस्कुलर पॉलिसी जो कश्मीर में चलाई है उन्होंने पिछले 5 साल में, वो कितनी सफल हुई है? और सफल नहीं हुई है तो चलाई क्यों गई? क्यों मिलिटेंट्स ज्यादा मर रहे हैं लेकिन उससे भी ज्यादा युवा हथियार उठा रहे हैं, क्या बात है ये? आपने बहुत ही सही सवाल उठाया। देखिए, पिछली जो एनडीए सरकार थी उस पर पॉलिसी बिल्कुल अलग थी, जो वाजपेयी जी की जो एक कोशिश थी कि आउटरीच की, चाहे पाकिस्तान से और कश्मीरी और हुर्रियत लीडरशिप के साथ। और अब इसके पिछले 4-4.5 सालों में हमने देखा यह कि बिल्कुल एक मस्कुलर अप्रोच अडॉप्ट की गई और इसके बारे में हमारी लीडरशिप ने खुल करके कहा कि हम बहुत सख्ती से निपटेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम क्रश कर देंगे। लेकिन मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। आखिरी सवाल मैं सुशोभा से पूछता हूँ। सुशोभा, क्या ये हो सकता है कि इतना आक्रोश जो देश में है, जिसके बारे में विवेक इतना बता रहे हैं हमको उतने गुस्से के साथ, क्या ये हो सकता है कि पुलवामा के बाद ये जो गुस्सा है जनता में, ये सरकार को, सरकार की कश्मीर नीति को एक ऐसी दिशा में ढकेल दे जिससे हमारा हितों का नुकसान हो, भारत के हितों का नुकसान हो? पर्वर्स है, मैं गुस्से में नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, सुशोभा जी से। आई थिंक इस समय हम एक बिल्कुल वी आर ऑन एन एज, वी कैन गो आइदर इन द राइट डायरेक्शन या हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए मैं कह रही हूँ गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं अगर कश्मीरी लोग जो बाहर हैं उन पे जो हमले हुए हैं हम उसको उनको नहीं रोक पा रहे हैं 4-5 दिन के बाद भी, अगर ये नहीं थमता है तो कश्मीर में आग और भड़केगी और इसकी वजह से हम गलत भी जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हमारे सब मेहमानों में हर एक चीज़ पे सहमति नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए डेमोक्रेटिक चर्चा में।
आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।